नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। एक्सीडेंटल निवेश से बचें। जी हाँ, आज हम उन लोगों के लिए खास पेशकश लेकर के आए हैं जो कि बिना सोचे समझे ही निवेश की शुरुआत कर देते हैं। वो लोग जो कि बिना किसी लक्ष्य को निर्धारित किए निवेश शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंटल निवेश से हो सकता है उन्हें नुकसान। तो एक्सीडेंटल निवेश से किस तरह से बचें और कैसे अपनी तैयारी पुख्ता करें, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शो में जुड़े हैं रूंगटा सिक्योरिटीज से हर्षवर्धन रूंगटा। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। और देखिए, जैसा कि एक्सीडेंटल निवेश की हम बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा देखा गया है हर्षवर्धन जी कि लोग, हो सकता है उनके फ्रेंड कहीं निवेश कर रहे हैं और अचानक से आकर के उन्हें सलाह दे दें कि देखो मैं तो 2 साल से निवेश कर रहा हूं और मुझे इतना परसेंट रिटर्न मिला है, ये सुन करके ऐसे लोग निवेश कर देते हैं। या हो सकता है उन्हें बोनस मिला होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े खर्चीले, जिन्हें लगता है कि अगर ये पैसा मेरी जेब में रहा तो मैं खर्च कर दूंगा, बेहतर है इसे कहीं निवेश कर दूं। तो जो पूंजी वो लगाते हैं वो भी उनकी पूंजी डूब जाती है। तो कभी भी निवेश करते समय कितना जरूरी है एक पैमाना तय करना, और इसके अलावा जो हमारे दर्शक हैं उन्हें आप ये भी बताएं कि आखिर बिना स्ट्रेटजी के निवेश करने से क्या होगा, और अगर एक्सीडेंटल निवेश इस तरह से लोग कर रहे हैं तो उनकी पूंजी डूबने का चांस कितना है, ये बताएं। सुवेल शालिनी, आपने सही कहा कि अगर हम एक इन्वेस्टर की प्रोफाइल समझें, आज की तारीख में हम जब निवेश करते हैं तो उसके प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, हम किस तरह से हम इन्वेस्ट करते हैं। सो अक्सर हम जब इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि आपने जो भी निवेश किया था वो कैसे सिलेक्ट किया आपने, मतलब आपने क्यों एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज किया और दूसरा नहीं, मतलब व्हाट वाज द प्रोसेस इन्वॉल्व। तो उनका एक ही सवाल, एक ही जवाब होता है, वो ये है कि हमें किसी ने आके ये प्रोडक्ट समझाया था और वो प्रोडक्ट देख के हमने ये देखा कि हमारे लिए अच्छा है कि नहीं और हमने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। अगर आप एक दूसरा तरीका अपनाते हैं जो है कि आप पहले अपने आप की एक लिस्ट बनाएं, आप ये देखें कि मेरी जरूरतें क्या हैं, आप उस इस अभी ये लेवल तक आपको प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि आप पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में क्या क्या जरूरतें हैं, मुझे 5 साल बाद क्या करना है, मेरे बच्चों की पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए इकट्ठा करना है, मुझे रिटायरमेंट के लिए करना है, मुझे हॉलिडे पे जाना है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, जो भी आपके लक्ष्य हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हैं आप। फिर आप अपनी एक रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, आप ये देखते हैं कि मैं पर्सनली मैं इन्वेस्टमेंट को या फाइनेंशियल कोई भी इंडस्ट्री को कितना समझता हूँ, और उसके बेसिस पे आप अपनी एक प्रोफाइलिंग बनाते हैं कि मुझे मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, कितना नहीं ले सकता, मेरी मुझे जानकारी कितनी है और इस पैसों से जो भी मैं निवेश करूंगा कितना जोखिम ले सकता हूँ। तो ये जब आप अपना इवैल्यूएशन करते हैं, इस समय तक प्रोडक्ट अभी तक आपके पिक्चर में आया ही नहीं है। अब ये होता है कि जब आप ये अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं कि क्या मुझे करना है, तब आप प्रोडक्ट चूज करने के लिए मार्केट में निकलते हैं कि मुझे ये खरीदना है, मुझे ये मेरी जरूरतें हैं, अब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। तो तरीका क्या होता है, आप सीधा प्रोडक्ट देख के डिसाइड करते हैं लेना कि नहीं लेना और आपकी कौन सी जरूरत पूरा कर रहा है, तो वो एक एक्सीडेंटल निवेशक की यू नो कैटेगरी में आता है कि आपके साथ जो हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा है कि आप एक दूसरी तरह से अपना प्लान बनाते हैं, जैसे मैंने कहा पहले अपने आप को इवैल्यूएट करिए और फिर मार्केट में जाइए ये देखने के लिए कि आपकी जरूरतों को कौन सा प्रोडक्ट पूरा करता है। और ये भी जरा समझाइए, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों से भी मिल चुकी हूँ जो कि ये कहते हैं कि हम अगर लक्ष्य नहीं भी बनाते हैं तभी रिटर्न के ऊपर कहाँ फर्क पड़ने वाला है। जैसे अगर मैं हर महीने 5,000 रुपए की SIP कर रही हूँ और मैंने लक्ष्य उसके लिए नहीं बनाया है, जैसे मुझे 5 साल के बाद घर खरीदना है, ये लक्ष्य मैंने नहीं बनाया है, फिर भी अगर मैं 5,000 रुपए की हर महीने SIP कर रही हूँ तो मिलने वाला रिटर्न तो उतना ही होगा ना। बहुत से लोगों का ऐसा मानना रहता है कि 10%, 6%, 12% जो रिटर्न है वो मेरे लक्ष्य को करके नहीं, वो मार्केट को देख करके मिल रहा है, मैं लक्ष्य नहीं भी बनाऊं तो रिटर्न उतना ही मिलेगा, पैसे उतने ही बनेंगे, तो लक्ष्य की अहमियत क्या है? तो ये सही बात है कि जो आपने निवेश किया, 5,000 निवेश कर रहे हैं या 50,000 निवेश कर रहे हैं, रिटर्न्स जो प्रोडक्ट देने वाला है वही देने वाला है, प्रोडक्ट का रिटर्न्स चेंज नहीं होता, ये देखते हुए आप जमा कितना कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आप किसी भी इंसान से अगर पूछते हैं कि रिटायरमेंट एक बहुत और एक ऐसा यू नो लाइफ स्टेज जो हर किसी के लाइफ में आता है, एक वक्त ऐसा आता है जब हमारा शरीर काम हमें सपोर्ट नहीं करता कि हम एक्टिवली बाहर जाके कमाना शुरू करें, लेकिन हमारी खर्चे चलते रहते हैं। तो ये हो सकता है किसी के 60 की उम्र में हो, किसी के 70 की उम्र में हो, या किसी के 50 की उम्र में भी हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि हम बात करते हैं किसी से कि ऐसे टाइम पे जब आपकी इनकम नहीं आने वाली, उस समय आपको कितना कॉर्पस चाहिए। हम पहली बात करते हैं रिटायरमेंट की प्लानिंग की है कि नहीं।
तो अमूमन देखा गया हाँ हमारा हमारे सैलरी में से ऑलरेडी पीएफ का कट रहा है, हमारा ग्रेच्युटी जमा हो रहा है, हम ये सारी चीजें हम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ये हमको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा। अब दूसरा सवाल जब आप पूछते हैं जितना आपको मिलेगा क्या उतना सफिशियंट है, तो तब कोई भी जवाब नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने वो कैलकुलेशन किया नहीं है। सो लक्ष्य हमने बनाया जो है कि रिटायरमेंट पे हमको कुछ पैसे आने वाले हैं। हो सकता है जब हम जनरली बात करते हैं तो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपया हमको इकट्ठा हो जाएगा। अब आपको जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या वो 50 लाख या 1 करोड़ रुपया सफिशियंट होगा कि आप उसी लाइफस्टाइल जी सकें जो आप चाहते हैं, तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है कि नहीं हमने देखा ही नहीं। तो ये है लक्ष्य को तय करना। अगर आपने रिटायरमेंट की बात की है तो आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आपको रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है। दूसरा पहलू जो उतना ही इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको रिटायरमेंट पे कितना रुपया चाहिए। तो ये इसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग योर गोल्स एंड क्वांटिफाइंग योर गोल्स। जब तक आप अपने लक्ष्य को क्वांटिफाई नहीं करेंगे, आप 5000 से SIP शुरू तो कर लिए लेकिन पता चला 5000 रुपया इनसफिशियंट है क्योंकि जितना आपको चाहिए उसके लिए आपको 20000 रुपया जमा करना था, और फिर आप वो पहलू पे पहुंच जाएंगे रिटायरमेंट पे पहुंचे और तब आपको पता चला कि आपका जो कॉर्पस है वो कम है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है आप उसको उस समय आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पहले पता होता तो शायद मैं 20000 रुपया जमा करने की ताकत थी मुझ में लेकिन मैंने 5000 से जमा करके खुश रहा। सो लक्ष्य को आइडेंटिफाई करना और क्वांटिफाई करना उतना ही जरूरी होता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब आप कोई भी गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं, आपने मान लीजिए इस एग्जांपल में हमने रिटायरमेंट लिया है, अगर आप रिटायरमेंट की तरफ इकट्ठा कर रहे हैं पैसे और आपने ये देखा कि मुझे 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है या 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, उसका आपने बैकवर्ड कैलकुलेशन किया और ये अनुमान लगाया कि मुझे हर महीने का 20000 रुपए जमा करने हैं। अब आप 20000 रुपए हर महीने का जमा कर रहे हैं, आपके रिटायरमेंट का टारगेट है 2 करोड़ रुपया। अब इस बीच में आपको कभी भी ऐसा मन किया एक फैमिली हॉलीडे लेनी है या बड़ी गाड़ी खरीदनी है, आपने क्योंकि एक लक्ष्य बना रखा है और उसको क्वांटिफाई कर रखा है, आपका ये दिल ही नहीं मानेगा कि आप उसमें डिप करके उसमें से पैसे निकाल के आप छुट्टी पे चले जाएं, क्योंकि मालूम है जिस दिन आपने पैसे उसमें से निकाले आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस डेफिसिट हो जाएगा। तो लक्ष्य बनाने के ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक जो आप चाहते हैं वो होगा, दूसरी बात है कि आप उसके बीच में उस दौरान उस पैसों को आप बेफिजूल खर्च में नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। और इन्फ्लेशन रेट इन सब के बीच में कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि कई बार देखा है कि दूरदर्शिता की कमी लोगों में होती है, स्पेशली यंग एज में जब इन्वेस्टमेंट लोग शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी सैलरी आने वाले दिनों में बढ़ती ही चली जाएगी, उन्हें फ्यूचर का अंदाजा नहीं होता, वो समझ नहीं पाते कि आगे आने वाले वक्त में उनकी लाइफस्टाइल कैसी हो जाएगी, उसके हिसाब से खर्चे कितने बढ़ेंगे और बुढ़ापे में जाकर के स्पेशली जब हम रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं तो कितनी रकम की जरूरत होती है। हम अभी के हिसाब से लक्ष्य बना तो लेते हैं लेकिन इन्फ्लेशन रेट का हम ख्याल नहीं रखते हैं, तो महंगाई को ध्यान में रख करके लक्ष्य निर्धारित करना कितना जरूरी है। इनफैक्ट जब हम फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं उसमें आपको इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आज मान लीजिए आपके खर्चे अगर 25000 या 30000 रुपए महीने में आपका घर का खर्चा निकल रहा है, आप 30 साल बाद आप ये सोचते हैं कि 25-30000 रुपए कमाने के लिए हर महीने के लिए मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया हो उतना काफी है, और आप उस बेसिस पे अपना टारगेट बना के 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने निकल चले। लेकिन 1 करोड़ रुपए की वैल्यू या 25-30000 रुपए के से जो आप आज कर सकते हैं 25-30 साल बाद आप नहीं कर पाएंगे। सो वही सवाल हो जाएगा कि आपने एक ऐसा वैल्यू निकाला जो आज के लिए करेक्ट था लेकिन 25-30 साल के आगे के लिए करेक्ट नहीं है। तो इन्फ्लेशन में आपको ये देखना है, महंगाई हर साल बढ़ती रहेगी, जो चीज आप 30000 में कर सकते हैं वो 30 साल बाद हो सकता है कि आपको 2 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़े। सो 2 लाख पाने के लिए आपको कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है वो कैलकुलेशन से आप शुरू करते हैं। और जो आप प्रोडक्ट में निवेश करते हैं, ये तो हमने बात की खर्चे हमारे बढ़ने की, दूसरा एक पहलू है जो लोग भूल जाते हैं वो ये है कि जब आप कोई भी पैसे जमा कर रहे हैं आपका उपदेश ये होना चाहिए कि अगर पैसे महंगाई दर से ज्यादा नहीं कमा के दे रहा है आपको तो आप रियल सेंस में आपने कुछ भी कमाई नहीं की। उदाहरण के साथ बताता हूं मैं, अगर हम ये मानते हैं कि जो महंगाई दर है जो इन्फ्लेशन रेट है करीबन 8% से हर साल हमारा खर्चा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज आप 100 रुपए में आज खरीद सकते हैं वो 1 साल बाद आपको 108 रुपए में मिलेगी। ये है अगर 8% आपका अगर इन्फ्लेशन से खर्चा बढ़ रहा है, तो 100 रुपए की चीज 1 साल बाद आपको 108 रुपए में मिलेगी, और जो पैसे आज आपने जमा किए कोई भी फिक्स डिपॉजिट में या कोई भी जगह पे आपने निवेश किया, अगर वो पैसा 108 रुपया बन के आपको वापस नहीं मिलता है या 110 रुपया बन के नहीं मिलता है आपको, तो आपने रियल सेंस में वो पैसे कुछ भी आपने उस पैसों पे कमाई नहीं की है, इनफैक्ट आपको लॉस हुआ है। अगर 106 रुपया बन के आपके हाथ में आता है और जो चीज आप 100 रुपए में खरीद पाते थे वो 108 रुपया हो गई है, तो आप वही चीज नहीं खरीद पाएंगे जो आप आज खरीद सकते हैं, तो पैसे जमा करके क्या फायदा हुआ।
सो दोनों पहलुओं में आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है. एक, जब आप फ्यूचर की वैल्यू आप सर्टन करते हैं कि मुझे आगे जाके कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये देखना है आज की वैल्यू और आगे की वैल्यू में फर्क होने वाला है. दूसरा, जब आप पैसे जमा करते हैं, आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम ये मानते हैं एसेट एलोकेशन करना है, थोड़ा आपको फिक्स डिपॉजिट में लगाना है, थोड़ा डेट में, इक्विटी, आपको प्रेशियस मेटल, सब जगह अलग अलग पैसे लगाने हैं. आपको ये देखना है कि अगर मैंने पूरे मिला के अगर 100 रुपए जमा किए थे, क्या मुझे कहां पे, जहां पे 6% भी मिल रहा है, कहीं कहीं पे 12% मिल रहा है, कहीं 15% मिल रहा है, ये सारा मिला के मेरे 100 रुपए पे कम से कम मुझे इन्फ्लेशन के बराबर या इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाई हो रही है कि नहीं. वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो अगर ज्यादा है तो ही आप रियल मायने में बचत कर रहे हैं, अगर कम है तो आपका बचत करने का कोई फायदा नहीं है. बिल्कुल. और हर्षवर्धन जी, एक चीज मैं और समझना चाहूंगी. देखिए, लक्ष्यों की तो हमने काफी बात कर ली, लेकिन बहुत से लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मेरा फ्यूचर में 3 गोल है, मसलन मुझे घर बनाना है, मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है और मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो क्या इन 3 लक्ष्यों के लिए मैं अलग अलग फंड्स का सिलेक्शन करूं, हर एक लक्ष्य के लिए 2 या 3 अलग अलग फंड्स रखूं, या मेरे पोर्टफोलियो में एक साथ तमाम फंड्स होने चाहिए, और मैं कितने पैसे हैं इन चीजों का डिवीजन अलग से रखूं, किस तरह से लक्ष्यों के मुताबिक निवेश करूं, फंड्स अलग होने चाहिए या पोर्टफोलियो में एक साथ? वेल, अगर हम बचत करने की बात कर रहे हैं, आपके दोनों तरीके आप अपना सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश कर रहे हैं तो 3 स्कीम्स अलग होनी चाहिए, अगर रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं तो 3 स्कीम्स अलग होनी चाहिए, वैसी जरूरत नहीं है. लेकिन ईयर मार्क करना जरूरी है, ये आइडेंटिफाई करना एकदम क्लियरली जरूरी है कि आप बच्चों की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए आपको कितने साल बाद पैसे चाहिए और कितने रुपए चाहिए, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया. दूसरा, आपको रिटायरमेंट पे कितना चाहिए, घर खरीदने के लिए कितना चाहिए, आपने अलग अलग करके आइडेंटिफाई कर लिया. अब ये सवाल उठता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, मान लीजिए 6 स्कीम्स है आपके पास, और 6 स्कीम्स में से आप 2 स्कीम को एलोकेट करते हैं, ईयर मार्क करते हैं कि ये मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए है, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए है, ये घर खरीदने के लिए. इसके फायदे 2 हैं. एक पहला फायदा ये है कि आपको क्लियर आइडिया है कि ये इन्वेस्टमेंट्स आपके इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जा रहा है, और इसमें से कभी भी आपका बीच में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि ये आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए है, आपने टारगेट बनाया है 50 लाख रुपए चाहिए, और इसमें से अगर आपको कभी भी ऐसा इच्छा हो कि मुझे बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए पैसों की कमी हो रही है तो मैं इसमें से निकाल लूं, आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपका दिल ये जानता है कि ये पैसे जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए है. अगर आपने आज इसे निकाल लिया तो आगे जाके आपको दिक्कत होने वाली है. तो ये एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप उसे अलग करके एक ईयर मार्क कर लें, आप उस पर एक टैग लगा दें कि ये टैग, ये मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए है. दूसरा फायदा इसका यह है कि आप उसे मॉनिटर कर सकते हैं. मॉनिटर का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने 50 लाख का लक्ष्य बनाया, आपने एक अनुमान लगाया कि मुझे 15 साल में अगर 12% या 15% रिटर्न मिलता है तो मेरा पोर्टफोलियो जाके 50 लाख रुपया बनेगा. लेकिन अगर 5 साल बाद आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में जो रिटर्न्स मिल रहा है वो 10% मिल रहा है, आपने अनुमान लगाया था 12% या 15% के हिसाब से, तो आपका लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला है. तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, ये आप कैलकुलेशन कर पाएंगे और उस बेसिस पे आप एक करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे ताकि जो आपने डिसाइड किया वो आपके आपको मिले. तीसरी बात ये कि आप उसको एक प्रोडक्ट एलोकेशन भी कर सकते हैं. जब आप एकदम क्लियर ईयर मार्क करते हैं कि ये मुझे पढ़ाई के लिए, इसमें मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मेरा एलोकेशन अलग होगा. तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो आप डेट में करेंगे, लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी में करेंगे. तो ये सारे फायदे होते हैं जब आप क्लियर ईयर मार्किंग करते हैं. जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए आपके पास 3-3 फंड्स हो, ऐसा करते करते आपके 15 फंड्स हो जाए उसके पोर्टफोलियो में, वो जरूरी नहीं है. लेकिन ईयर मार्क आप जरूर करें कौन सा फंड किस पर्पज के लिए आपने रखा है. बिल्कुल. और जो व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आप चाहें तो ट्विटर और फेसबुक पर भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और लाइव शो आप वहां पर भी हमारा देख सकते हैं, और जो भी आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल है वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं. और कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो चलिए कुछ कॉलर्स से भी बात कर लेते हैं. अमित आदित्य जी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर शो में आपका. कहाँ से आप बात कर रहे हैं? जी, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ. जी बताइए, आपका पोर्टफोलियो वैसे है हमारे पास, पर कुछ डिटेल में बताएं क्या समझना चाहते हैं. एक्चुअली वही, मतलब जो मैंने डिटेल्स ईमेल में लिखे थे, जो फंड्स मैंने ऑलरेडी जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो सही फंड्स है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर कौन सा अच्छा फंड हो सकता है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूँ ताकि मेरे जो गोल्स मैंने मेंशन किए हैं वो मीट हो जाए. ठीक है. और कितने साल के लिए आपका ये निवेश है अमित जी? It's a long term basically, मतलब for child education I was planning, maybe 8 to 10 years.
ठीक है हर्षवर्धन रूंगटा आज हमारे साथ शो में बताएंगे कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है। हर्षवर्धन वेल अमित जी, आपके पोर्टफोलियो में आपने 9000 रुपया निवेश कर रहे हैं हर महीने का और 20 लाख रुपया चाहते हैं करीबन 8 साल के बाद। सो अगर हम एक अनुमान लगाते हैं करीबन 14% CAGR के हिसाब से अगर इक्विटी पोर्टफोलियो ग्रो करता है एक SIP का, तो आप शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब आपको पूरा लक्ष्य आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको 12000 रुपये महीने का करना होगा, तो आप कंफर्टेबली अपने अपने टारगेट के अंदर में रहेंगे। आप 12000 अभी कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो 9000 रुपये से कंटिन्यू करिए, आगे जाते हुए बढ़ा लीजिएगा। और आपके पोर्टफोलियो में भी थोड़े चेंजेस करने की जरूरत है, तो आपका 9000 या 12000 जो भी आप निवेश कर रहे हैं, तो मैं 12000 का एग्जांपल लेके फंड्स डिवाइड कर देता हूं। अगर 9000 है तो उसमें 3000 कर लीजिएगा, 12000 है तो तीनों फंड्स में 4000 रुपए कर लीजिएगा। बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी जो आपके पास ऑलरेडी है उसे कंटिन्यू करिए, उसमें 4000 रुपए कर लीजिए। एक एक्सिस ब्लू चिप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए, उसमें 4000 रुपए, और ICICI अप्रूव मल्टी कैप फंड इसमें 4000 रुपए ऐड कर लीजिए। सो आपका रिलायंस ग्रोथ फंड एंड रिलायंस स्मॉल कैप फंड को मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप बंद कर दीजिए, उसकी जगह पे आप दो फंड्स एक्सिस ब्लू चिप फंड और ICICI मल्टी कैप ऐड करें। इस पोर्टफोलियो को अभी आप नेक्स्ट 2 साल बाद रिव्यू करें, उसे पहले करने की जरूरत नहीं है। चले तो ऑल द वेरी बेस्ट अमित जी, आपको सलाह भी मिल गई और कुछ इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी अगर आप आगे जारी रखेंगे तो आपको फायदा भी मिलेगा। और एक ईमेल शामिल कर लेते हैं सख्त प्रोग्राम में, हमें मेल भेजा है अनु तोमर ने और उम्र इनकी 27 साल है। कुछ लक्ष्य इन्होंने बताए हैं, 5 साल के बाद 20 लाख इन्हें चाहिए, इसके बाद 10 साल में 35 लाख की जरूरत है और 20 साल के बाद 2 करोड़ रुपए की इन्हें जरूरत पड़ेगी। और इनका कहना है कि ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, काफी सारे फंड भी इनके पोर्टफोलियो में है। नाम हर्षवर्धन आपके पास भी इन तमाम फंड्स का होगा, PPF में भी इनका निवेश है, NPS में भी निवेश कर रहे हैं, LIC जीवन आनंद इनके पास है, इसके अलावा तमाम इक्विटी फंड्स और बाकी दूसरे फंड हैं इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए। और इनका ये पूछना है कि क्या पोर्टफोलियो में जो फंड्स इन्होंने जोड़े हैं वो सही है या फिर नहीं है, स्मॉल कैप के ऊपर भी इन्हें राय चाहिए और स्मॉल कैप से 5 से 10 लाख किस तरह से इन्हें मिल सकते हैं ये जानना चाहते हैं, बताइए। शालिनी, इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 15000 रुपए में, ये चाहते हैं कि अभी महीने का 15000 निवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि 5, 10 साल और 20 साल का लक्ष्य है 20 लाख, 35 लाख और 2 करोड़ रुपए। सिर्फ 15000 रुपए से ये सारे लक्ष्य तो पूरे नहीं होंगे, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, शुरू किया है अच्छी तरह, अच्छे प्रोडक्ट्स में है, तो उस लिहाज से शुरू किया है अच्छी बात है। आगे जाते हुए जैसे हम कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करिएगा। और ये उसी चीज की डिस्कशन जो हमने किया था कि जब आप लक्ष्य बनाते हैं और उसको एक क्वांटिफाई भी कर रहे हैं कि 5 साल बाद मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, 10 साल बाद 35 लाख रुपए और 20 साल बाद 2 करोड़ रुपए, तो आपने क्लियर लक्ष्य बनाया और अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आप निवेश कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा, तो आपको आगे जाके इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। अगर हम स्कीम्स की बात करें तो लगभग सारी स्कीम्स इनके पोर्टफोलियो में जो है वो अच्छी हैं, तो इसमें कोई फेर बदलाव करने की जरूरत नहीं है। एक सिर्फ है कि जो स्मॉल कैप फंड के बारे में बात किया था, स्मॉल कैप फंड अगर आप एक मल्टी कैप के जरिए आते हैं या मिड कैप फंड के जरिए आते हैं तो उसमें स्मॉल कैप का एलोकेशन भी होता है। आप एक डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड ना लें, आप एक मल्टी कैप या मिड कैप फंड लीजिए जिसमें स्मॉल कैप का हिस्सा होता है, तो वो आपकी प्रोफाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क जितना जोखिम ले सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आती है। सो SBI स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट बंद करें और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज वो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। उन्होंने एक सवाल और पूछा कि 5000 रुपए उनको एडिशनल करने हैं तो क्या फिर से स्मॉल कैप में करें। मेरा सुझाव वही है जो मैंने अभी कहा कि स्मॉल कैप का एक डेडिकेटेड फंड नहीं बनाएं, एक मल्टी कैप ऐड कर लीजिए ताकि उसमें अगर कोई भी कंपनी अगर अच्छी दिखती है स्मॉल कैप में तो फंड मैनेजर उसे सिलेक्टिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा स्मॉल कैप में लेने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। तो आप जो एडिशनल 5000 रुपए निवेश करना चाहते हैं वो ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड में निवेश करें। इस प्रकार से आपके पास लार्ज कैप मल्टी कैप फोकस्ड फंड भी है और आपके पास एक मिड कैप जो HDFC मिड कैप के जरिए आप इन्वेस्ट करेंगे वो भी आपके पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन हमेशा जरूरी होता है और जैसा अभी हर्षवर्धन बता रहे हैं कि दोबारा स्मॉल कैप में ही निवेश करना अकलमंदी नहीं होगी, तो जिस तरह से आपको अभी सलाह मिली है उसी के हिसाब से अपने निवेश को आगे बढ़ाते रहें। हर्षवर्धन बहुत शुक्रिया आपका आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक्सीडेंटल निवेश से लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं होता है तो वो इस तरह के एक्सीडेंटल निवेश से ही होता है। बहुत शुक्रिया आपका शो में हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना है, लेकिन आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।